आज आम ए वीडियो रे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ ओडिशा उपरे किछि इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करिबा जोटा कि जनरल स्टडी रो ओडिशा हिस्ट्री रो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जदि आपण माने हाई स्कूल टीचर बा डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे प्रिपेरेशन करूथिबे वीडियो कंप्लीट देखिबे आ यार जदि थ्योरी क्लास दरकार वीडियो रे कमेंट करी कहिबे खाली इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट ओनली शॉर्ट रे जेमति आर्यांत पब्लिकेशन रो फॉलो हे कि मु करि परिबि कमेंट रे जणैबे। फर्स्ट कोन दैछि पीपुल इन ओडिशा हेल्ड प्रोटेस्ट मीटिंग आट ह्विच अफ द प्लेस ड्यूरींग स्वदेशी मुमेंट कौन कहला ना आमर जो स्वदेशी मुमेंट होता ओडिशा रे से जो स्वदेशी मुमेंट समय रे क्यों जगार कौन करते ना लोक प्रोटेस्ट करते ए देची कौन ना बालेश्वर बी देची संबलपुर डी देची पुरी सी देची पुरी आउ डी देची ऑल द अबव तार करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑल द अबव हो करेक्ट आंसर पीपुल इन ओडिशा हेल्ड प्रोटेस्ट मीटिंग आट बालेश्वर संबलपुर एंड पुरी बोथ द अबव जोटा कि स्वदेशी मुवमेंट होता 1999 सत्यवादी स्कूल इन पुरी ड्यूरींग द स्वदेशी मुवमेंट व्वाज एस्टाब्लीश्ड बाय सत्यवादी जो स्कूलटा पुरी रो स्वदेशी मुवमेंट रे एस्टाब्लीश करा जायतिला प्रतिष्ठा होता कहा द्वारा ताहले ए देची नंदकिशोर दास बी देची गोपबंधु दास सी देची हरेकृष्ण महताब डी देची दिवाकर पटनायक तार करेक्ट आंसर समस्त जाणि सारे थे सत्यवादी स्कूल कथा उठी माने सत्यवादी वन विद्यालय से ऑटोमेटिक हेतिबो उत्कलमणि गोपबंधु दास तार करेक्ट आंसर कौन है गला ना दुई नंबर रो बी ए पीडीएफ टाक मो टेलीग्राम रे दे देबी पढ़िबे यार थ्योरी क्लास दरकार कहिबे आनिबी हु फाउंडेड द सत्यवादी स्कूल विथ नेशनालिस्टिक स्पिरिट इन ओडिशा जातीयतावादी चिंतन नहीं किए से कौन करते ना सत्यवादी स्कूल टी कौन करते ना फाउंडर करते फाउंड करते इटा कि ओपीएससी 2017 आसी ए देची कौन ना आचार्य हरिहर बी देची मधुसूदन राव सी देची गोपबंधु दास डी देची कृपा सिंधु मिश्र ताले करेक्ट आंसर कौन हो ना गोपबंधु दास से सत्यवादी स्कूल कथा आसला माने कौन आना गोपबंधु दास यहाँ पूरी रे होता सत्यवादी स्कूल सत्यवादी वन विद्यालय समेत जाथे चार नंबर इन ह्विच इयर वाज उत्कल सम्मिलनी फर्मड माने क्यों मसीहार उत्कल सम्मिलनी तैयारी होता गोप मधुसूदन दास को ना शुणी समस्ते उत्कल सम्मिलनी प्रथम उत्कल सभा होता सीटा रिफर्म होता कायर में उत्कल सम्मिलनी ताले ए देची 1903 बी देची 1900 सी देची 1910 डी देची 1899 ताले करेक्ट आंसर कौन है जीवो ना 1903 1882 होता उत्कल सभाटा से रिफर्म कराई ता ना होता 1903 मसीह उत्कल सम्मिलनी पढ़ीपे उत्कल सम्मिलनी किए गठन करते मधुसूदन दास उत्कल गौरव मधुसूदन दास पांच नंबर महात्मा गांधी केम टू ओडिशा फॉर प्रमोटिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन ह्विच इयर असहयोग आंदोलन समय रे ताको प्रमोट करिया गांधीजी ओडिशा को आसते के बे? ना ए देची 1920 बी देची 1922 सी देची 1921 डी देची 1919 ताले करेक्ट आंसर कौन है जीवो ना 1921 मसीह रे आसी पांच नंबर रो सी 1921 मसीह रे कौ आंदोलन चलता ना सारा भारत चलता नॉन कोऑपरेशन माने असहयोग आंदोलन 1920 रु स्टार्ट 1922 रे एंड हो चोरी चोरा घटना रे छ नंबर हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट सॉल्ट सत्याग्रह बा जहाँ को कहती कौन ना सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट ताहले सॉल्ट सत्याग्रह को बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट किए से कौन करते ना तार लीड्रे थे ए देची सुरेन्द्रनाथ दास नारायण बीरबर सामंत सी देची बीरकिशोर दास डी देची लक्ष्मी नारायण मिश्र सॉल्ट सत्याग्रह को जो लवण सत्याग्रह बोली कहा जाए तारे करेक्ट आंसर कौन है ना ए सुरेन्द्रनाथ दास बालेश्वर जिलारु ए सॉल्ट सत्याग्रह को लीड भूमिका नहीं थे। नेक्स्ट को जीवा सात नंबर When did the salt law was broken in Inchudi of Baleswar? त
ତାହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ସଲ୍ଟ ଲଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଭଙ୍ଗ କରାହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ କେବେ? ଏ ଦେଇଛି 6 ଏପ୍ରିଲ 1930, 14 ଏପ୍ରିଲ 1930, 12 ଏପ୍ରିଲ 1930, 13 ଏପ୍ରିଲ 1930। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବି 14 ଏପ୍ରିଲ 1930ରେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଲବଣ ଆଇନଟାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଭଙ୍ଗ କରାଗଲା। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା 8 ନମ୍ବର, ହୋୟାର ୱାଜ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ସ ପିପୁଲ କନଫରେନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଇନ୍ 1931। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିପୁଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା 1931 ମସିହାରେ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ? ଏ ଦେଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବି ଦେଇଛି କଟକ, ସି ଦେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଡି ଦେଇଛି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସି, ସି ଅଛି କଟକ। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ସି, କଟକ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା 9 ନମ୍ବର, ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପିପୁଲ କନଫରେନ୍ସ ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଫ୍, ମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବା ସଭାପତିତ୍ୱ କିଏ କରିଥିଲେ? ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପିପୁଲ କନଫରେନ୍ସ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ କିଏ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଏ ଦେଇଛି ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବି ଦେଇଛି ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ, ସି ଦେଇଛି ରାଧାନାଥ ରଥ, ଡି ଦେଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିପ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ବା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପିପୁଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଜ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସିଭିଲ ଡିସୋଭିନିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ହେଇଥିଲା ସିଭିଲ ଡିସୋଭିଡ଼ିଏନ୍ସ ମୁମେଣ୍ଟରେ ସେଇଟାକୁ କାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାହେଇଥିଲା? ଏ ଦେଇଛି ଏଚ୍ କେ ମହତାବ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସି ଦେଇଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଡି ଦେଇଛି ରମାଦେବୀ। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଇଥିଲା ନା ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡ଼ିଏନ୍ସ ମୁମେଣ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରାହେଇଥିଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା 11 ନମ୍ବର, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ବିକେମ୍ ମାର୍ଟ୍ରିୟର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଦ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁମେଣ୍ଟ। ମାର୍ଟ୍ରିୟର ମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ ଦେଇଛି ବାଜି ରାଉତ, ବି ଦେଇଛି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ସି ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଡି ଦେଇଛି ରଘୁ ଦିବାକର। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ହିରୋ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ଼, ମାନେ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ? ଏ ଦେଇଛି 21 ଅଗଷ୍ଟ 1942, ବି ଦେଇଛି 23 ଅଗଷ୍ଟ 1942, ସି ଦେଇଛି 21 ମାର୍ଚ୍ଚ 1943, ଡି ଦେଇଛି 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1943। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1943। ତାହେଲେ 12 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା 13 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଭେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ସିମିଲାର ଟୁ ଜାଲିୱାନା ୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ଥିଲା ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ହେଇଥିଲା। ଜାଲିୱାନା ୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଞ୍ଜାବରେ ଯାହା, ଓଡ଼ିଶାର କାହାକୁ ତା'ର ସମତୁଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିବେ କ'ଣ, ଦ ମାସାକ୍ରେ ଅଫ୍ ଇରମ ତୀର୍ଥ। ତାହେଲେ 13 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ନା ବି ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ହ୍ୱେୟାର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିଡ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ ମାସାକ୍ରେ, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲାବେଳେ କେଉଁଠି ଲୋକ ବେଶୀ ମରିଥିଲେ? ଏ ଦେଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, ବି ଦେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ସି ଦେଇଛି କଟକ, ଡି ଦେଇଛି ପୁରୀ। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କଟକ, କଟକରେ ବେଶୀ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଇରମ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ, ଇରମକୁ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ମାସାକ୍ରେ ଆଟ୍ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁମେଣ୍ଟ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ରିବେଲିଅନ୍। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ମାସାକ୍ରେଟା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ, ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସେମିତି ଇରମ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, 16 ନମ୍ବର,
हु हाड लेड द प्रजामंडल मुवमेंट इन एरिया अफ ढेंकानाल। आमर जो प्रजामंडल मुवमेंट होता आंदोलन ढेंकानाल एरिया ढेंकानाल अंचल किए तार नेतृत्व नहीं देची बनमाली दास टी स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी सी दे वैष्णवचरण पट्टनायक सारंगधर दास डी दे प्राणनाथ पट्टनायक ताले करेक्ट आंसर कौन हो वैष्णवचरण पट्टनायक सी कौन करते ढेंकानाल जो प्रजामंडल आंदोलन प्रतिनिधित्व करते। 17 नंबर को जीवा मोस्ट इम्पोर्टेंट द मोस्ट हीरोइक रोल इन ढेंकानाल अपराइजिंग वाज प्लेड बाय जो ढेंकानाल अपराइजिंग होता ढेंकानाल आंदोलन होता तार मुख्य भूमिका रे किए थे ए देची वैष्णवचरण पट्टनायक बी देची सुरेंद्रनाथ दास सी देची डोरा बिशोई डी देची राधानाथ राय ताले करेक्ट आंसर कौन हो 17 नंबर रो ए 17 नंबर रो ए श्री वैष्णवचरण पट्टनायक ढेंकानाल अपराइजिंग रे हीरोइक रोल भूमिका रे थिले। नेक्स्ट को जीवा 18 नंबर ओडिशा बिकेम सेपरेट प्रोविनेंस इन द ईयर को ईयर ओडिशा सेपरेट हो जाता 1926 1939 1938 1936 करेक्ट आंसर हो 1939 करेक्ट आंसर 18 नंबर रो कौन हम करेक्ट आंसर बी हो करेक्ट आंसर तेल बी है 1938 मसीह करेक्ट ये टी कौन अच्छी ना ए बी सी डी टी एपट सेपट हो बी है करेक्ट आंसर 19 द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री वाज मेड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रथम जो कांग्रेस रो मिनिस्ट्रीटा होता तार नेतृत्व बा लीडरशिप रे किए थिले 19 नंबर ए ऑप्शन देची विश्वनाथ दास बी देची श्रीमती रमा देवी सी देची आचार्य हरिहर दास डी देची श्रीमती मालती चौधरी तार करेक्ट आंसर कौन हो ए 19 नंबर करेक्ट आंसर हो विश्वनाथ दास हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट को जीवा 20 नंबर आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री अंडर हुम ए कोलिएशन मिनिस्ट्री मान मिलित मंत्री गठन होता जोटा कि 1941 नवेम्बर मसला कहा द्वारा ना महाराजा पारलाखेमुंडीर महाराजा द्वारा एक कोलिएशन मिनिस्ट्री 1941 मसीह करेक्ट आंसर हो ए। नेक्स्ट को जीवा 21 सरदार वल्लभ भाई पटेल केम टू ओडिशा फॉर इट्स मर्जर इन ओडिशा को सरदार वल्लभ भाई पटेल केबे आसीथिले ताले करेक्ट आंसर कौन हो ना 1948 आसीथिले। नेक्स्ट को जीवा 22 व्हिच स्टेट वाज नॉट अमालगमेटेड इनटू ओडिशा इन 1948 रे कोटा मिसी नथिला ए देची कौन ना मयूरभंज ताले करेक्ट आंसर एठी अछि 22 नंबर ए मयूरभंजटा मिसी नथिला। नेक्स्ट को जीवा 23 व्हिच ओडिया स्पीकिंग स्टेट्स वेयर लैटर प्लेस्ड अंडर बिहार ड्यू टू पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन कोटा कौन हितला ना ओडिया स्पीकिंग राज्य को बिहार को दिया हितला बिहार अंडर रखा हितला कौन पाई ना पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन जो 23 नंबर ए देची कौन ना बालेश्वर तापर देची सेराइकेला सी देची खारसवान डी देची मयूरभंज बा खारसवान मयूरभंज ताले ऑप्शन कौन देला ना 1 & 4 2 & 3 4 2 & 3 ऑल द एबव ताले करेक्ट आंसर कौन हो ना बी 2 & 3 होची करेक्ट आंसर 2 & 3 हो गला कौन ना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट को जीवा 24 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड टू मधुसूदन दास मधुसूदन दास कोठी नथिले ताले ए देची कौन ना यूनियन कॉन्फ्रेंस उत्कल सम्मेलन तो थिले ओडिशा टेंट माने टेनेंस जो टैनेरी सेटी अच्छी बेंगल बंगर देखिकी से करथिले ताले सत्यवादी स्कूल ले से नथिले ताले करेक्ट आंसर कौन हे जीवो डी 24 नंबर रो डी। 25 नंबर हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी इन 1921 मसीहारे जो उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी होता तार प्रथम सभापति किए थे प्रेसिडेंट ए देची हरेकृष्ण महताब बी देची कृष्णचंद्र गजपति सी देची गोपबंधु दास डी देची मधुसूदन दास ताले करेक्ट आंसर कौन हो गोपबंधु दास
उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी रा प्रथम प्रेसिडेंट होती गोपबंधु दास। नेक्स्ट को जीबा 26 कृष्णचंद्र गजपति ऑर्गेनाइज द 10th सेशन ऑफ उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस इन उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस रा 10th अधिवेशन दशम अधिवेशन जोटा कृष्णचंद्र गजपति आरेंज ऑर्गेनाइज करते कौटी ए देची कटक बी देची पारलाखेमुंडी सी देची इंचुड़ी डी देची बालेश्वर तले करेक्ट आंसर है सी इंचुड़ी ठारे हेथिला। नेक्स्ट को जीबा 26 नंबर रो सी 27 नंबर को जीबा हु एमंग द फॉलोइंग वाज सोलो डेलीगेट फ्रॉम ओडिशा इन द फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमर तीनटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेथिला 30, 31, 32 से जो तीन टा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रु प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रु ओडिशा रु किए जाइथिले ए देछि गोपबंधु दास बी देछि कृष्णचंद्र गजपति सी देछि मधुसूदन दास डी देछि रमादेवी ताले करेक्ट आंसर हे जीवो कृष्णचंद्र गजपति सोलो भाबे एकुटिया हेबे जाइथिले किंतु भारतीय जातीय कांग्रेस नथिला सेथिरे। नेक्स्ट को जीवा 28 हु एस्टाब्लिश्ड सेवा घर आश्रम आट बरी माने जाजपुर रे सेवा घर आश्रम किए प्रतिष्ठा करथिले ताले ए देची शाला देवी बी देची मालती देवी सी देची मालती देवी बी देची रमा देवी डी देची सीता देवी ताले करेक्ट आंसर कौन है जीवो ना रमा देवी कौन करथिले ना सेवा घर आश्रम प्रतिष्ठा करथिले। नेक्स्ट को जीवा 29 नवजीवन मंडल आट तुम्बाड़ीगुड़ा अफ कोरापुट वाज फॉर्म्ड बाय रमादेवी इन से कौन कर कोरापुट जिले में पड़ो नवजीवन मंडल कौ जिले ना कोरापुट जिले किए करते ना रमादेवी केबे गोटे प्रश्न रु तीन चार्टा प्रश्न भी आसपे 29 नंबर केबे ना 1946 मसीह करेक्ट आंसर कौन हो बी। नेक्स्ट को जीवा 30 फॉर फर्स्ट टाइम गांधीजी केम टू ओडिशा केबे ना 1921 मसीह प्रथम कौ डिस्ट्रिक्ट आसिक पहुँची थे ए देची खोर्धा बी देची गंजाम सी देची कटक कटक आसिक पहुँची थे यहाँ थी कौन ना किसी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू स्पेशियली आम कौन करवा ना आर्यांत्र जो कौन करी ना दे नो योर स्टेट बढ़िया से देखा फोकस करें प्राक्ट करवा जदि यार थीओरी क्लास दरकार कमेंट करके कहे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डिस्कसन करवा। थैंक यू।